जिला कल्याण समिति की बैठक सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में जिला के विधायकों के अलावा सब विभिन्न विभागों से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि जिला सिरमौर में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के आवासहीन लोगों के लिए 723 मकान स्वीकृत किए गए हैं तथा इसके पश्चात जिला में अनुसूचित जाति वर्ग कि किसी भी व्यक्ति का आवेदन शेष नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पिछले दिनों एक निर्णय लिया है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत उनको हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक घर स्वीकृत करके दिए जाएं। इसके लिए जिला सिरमौर में इस वर्ष 723 आवेदन आए थे, 104 की स्वीकृति हमने पिछले मीटिंग में दी थी, आज हमने बचे हुए सभी घरों की स्वीकृति दी है। अब अनुसूचित जाति का कोई भी आवेदन इस रिकमेंडेशन के बाद जिला सिरमौर में शेष नहीं रहेगा। मैं उन सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं समस्त जिला सिरमौर के लोगों की ओर से, एक मुश्त इतने घरों की स्वीकृति पहली बार मिली है। और जो पछाद विधानसभा क्षेत्र में सोडा दिहारी आदर्श गांव का चयन आदरणीय प्रशासन के साथ मिलकर आदरणीय हमारे एमपी साहब ने किया है, उसका भी आज हमने देखा कि कितना काम हुआ। 52,80,000 का उन्होंने बजट अनुमानित बनाया था, उस पर युद्ध स्तर पे काम चला है, बहुत अच्छा काम उस गांव में हो रहा है। ना केवल 52,80,000 की बात नहीं है, उसमें 100% लोगों की पेंशन लगाना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना उज्ज्वला योजना में 100% लोगों के घरों में गैस का इंतजाम करके देना, विशेष रूप से सोलर लाइटें उस गांव में लगाना, और भी जो वहां पर जरूरतमंद लोगों की जरूरत है, पानी का टैंक बनाना है, सड़क बनानी है, और इंतजाम करना है ताकि वो आदर्श गांव बन जाए, उसके जनप्रतिनिधि भी आज हमारे बीच में आए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें जो भी काम बचा है वो काम भी कंप्लीट करें ताकि हम विकास में आगे बढ़ें।